दोस्तों हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में व्हाइट लेवल एटीएम की स्थापना, स्वामित्व और संचालन के लिए बकरांगी को जारी किए गए ऑथराइजेशन की वैधता बढ़ा दी है। आखिर व्हाइट लेवल एटीएम क्या है तथा भारत में इसके लिए क्या प्रावधान है? तो वैसे एटीएम जिन्हें बैंकिंग कंपनियों के अतिरिक्त स्थापित और संचालित किया जाता है, इन एटीएम्स का स्वामित्व भी उन्हीं कंपनियों के पास होता है जो इनकी स्थापना और संचालन करते हैं। नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटरों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत किया गया है। ऐसी नॉन बैंक संस्थाओं के पास नवीनतम वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति होनी चाहिए, जिसे हर समय बनाए रखा जाना चाहिए। दोस्तों वर्तमान समय में व्हाइट लेवल एटीएम के संचालन के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक FDI की अनुमति है।